हेलो एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी सो so, आज हम करने वाले हैं लास्ट सिक्स मंथ करंट अफेयर सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर ठीक है नवंबर का ये पार्ट वन रहेगा आपका एंड इसकी जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं सो so, चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर

ये करने के लिए ठीक है बेसिकली स्टेरिलाइज करने के लिए इनके स्ट्रे डॉग को एक इन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया था विच इज नेशनल डॉग पॉपुलेशन मैनेजमेंट एंड रेबीज कंट्रोल प्रोजेक्ट ठीक है इस प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने यहाँ पे जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको वैक्सीनेट करना स्टार्ट किया ठीक है ताकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो अब ना बढ़े ठीक है साथ में ही इसे इंप्लीमेंट किसने किया था इस प्रोग्राम को इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द ग्लोबल एनिमल चैरिटी ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल दैट इज इसके साथ साथ भूटान के बारे में ये भी आपको पता होना चाहिए भूटान जो है ये वर्ल्ड की पहली कंट्री बनी है जिसने अपने आप को कार्बन नेगेटिव बनाया है दैट मीन्स कि जितना ये सीओ टू मतलब इतना सीओ ये प्रोड्यूस नहीं करती जितना ये एब्जॉर्ब करती है ठीक है तो ये ध्यान में रखना है इसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं भूटान के पीएम की इनका नाम है लॉटेज शेरिंग करेंसी क्या है भूटान की इट इज नगल ट्रूम एंड कैपिटल है इसकी थिम्पू ठीक है ना नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है रिसेंटली नवंबर एशियन फुटबॉल रिकॉन्शन ब्रॉन्स अवार्ड फॉर द ग्रास रूट फुटबॉल हेल्थ एट दी एफ सी एनवल अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी दोहा कतार में हुए थे ठीक है ना क्वेश्चन है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के आपके प्रेसिडेंट कारंटली है कल्याण चौबे जी ठीक है तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और इन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया था यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रिकॉग्निशन ब्रॉन्ज अवार्ड इसके साथ साथ हमें नोट करना है इंडिया का ये सेकंड ग्रास रूट फुटबॉल अवार्ड है ठीक है ब्रॉन्ज मेडल जो है बेसिकली 2014 में सबसे पहली बार इंडिया को जो है इंडिया की जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन उनको ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे दिया गया था ठीक है फुटबॉल के लिए। अब यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर मेडल किसे मिला था तो गोल्ड मेडल यहाँ पे दिया गया था फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया को एंड सिल्वर मेडल दिया गया था गॉम फुटबॉल एसोसिएशन को ठीक है अब एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की बात कर लेते हैं इसके प्रेसिडेंट कौन है इनका नाम है शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा एनस का हेडक्वार्टर आपका कोलालमपुर मलेशिया में है और इसे 1954 में स्टैब्लिश किया गया था यहाँ पे आप जो है इमेज देख सकते हो ये आपके कल्याण चौबे जी हैं और ये आपके प्रेजिडेंट है एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के ठीक है इसके साथ साथ यहाँ पे आप बाकी अवार्ड्स भी देख सकते हो जो इस इवेंट में दिए गए थे जैसे ए डायमंड ऑफ एशिया अवार्ड ठीक है ए एफ सी मेंबर एसोसिएशन ऑफ द ईयर अवार्ड ए एफ सी रीजनल एसोसिएशन ऑफ द ईयर अवार्ड तो बहुत सारे अवार्ड यहाँ पे दिए गए थे ठीक है

ने जो भी टीबी रिलेटेड यहाँ पे फंक्शंस किए हैं ठीक है थीके? या जो भी काम कर रहा है डब्ल्यू एच ओ उस पे ये बेसिकली एक रिव्यू यहाँ पे रखेगा ठीक है या उसको मॉनिटर करेगा जो भी प्रोग्रेस यहाँ पे हो रही है जो भी चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं ठीक है टीबी से रिलेटेड तो उन सबको ये मॉनिटर करेगा और यहाँ पे अपनी एडवाइजरी जो है ये प्रोवाइड करेगा ठीक है ये आपको याद रखना है ताकि ट्यूबरक्लोसिस क्लॉसेज जल्द से जल्द खत्म हो सके और इसको हम प्रिवेंट कर सके ठीक है ये चीज ध्यान में रखनी है नाउ ये जो आपका ग्रुप है इसमें टोटल फिफ्टीन हैं जिसके हेड बनाए गए हैं एथनर एथेनर लिनोर ठीक है ये ध्यान में रखना है नाउ सारंग के बात करें तो ये जो है करेंटली प्रोफेसर हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट एट द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस साथ में ही ये मेंबर हैं डिजिटल हेल्थ कमिटी के नेशनल अक्रेडेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल के ठीक है साथ में ही इज ऑल्सो मेंबर ऑफ अ हेल्थ इंश्योरेंस कंसल्टेटिव ए आई नेशनल ऑपरेशनल रिसर्च कमिटी सेंट्रल टीवी डिविजन Of our Ministry of Health and Family Welfare ke. And he is also a member of an expert committee which is constituted by the ICMR and NTAG uh, NTAGI. Hai? Now, next question hai. Name the player who won the sixty seventh edition of d'Or

दस और नौ ठीक है तो ये टोटल इनके पास एट टाइम्स जो है इन्हें बैलेंडोर अवार्ड दिया गया है अब सेकेंड नंबर पर कौन आते हैं प्लेयर जिन्हें सबसे ज्यादा आपके बैलेंडोर अवार्ड दिए गए हैं जो जिन्होंने जीते हैं बैलेंडोर अवार्ड तो पांच अवार्ड यहाँ पे जीते हैं बैलेंडोर के किसने क्रिस्टियानो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ठीक है ये याद रखना है इसके अलावा लास्ट ईयर बैलेंडोर अवार्ड किसने जीता था तो इनका नाम है करीम बेंजिमा ठीक है इन्होंने 2022 में जो है बैलेंडोर अवार्ड जीता था इसके अलावा बाकी अवार्ड यहाँ पे हैं जैसे फेमिनिन कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है एटीना बॉन मार्टिया को ठीक है देन कोपा ट्रॉफी फॉर द बेस्ट बेस्टर ट्वेंटी दिया गया है जोडियो बेलिंग देन याची ट्रॉफी फॉर द बेस्ट मेल गोलकीपर ये दिया गया है आपका एमिलियानो मार्टिन मार्टिनेस को देन ग्रेड मुलर ट्रॉफी फॉर द हाइएस्ट स्कोरिंग मेल स्ट्राइकर इनका नाम है एर्लिंग हाल जूनियर को एंड क्लब ऑफ द अवार्ड दिया गया है मैनचेस्टर सिटी एंड एफसी बार्सिलोना फैमिली को ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री टॉप्स द मेडल टेली विदी सिक्स मेडल 15th एडिशन ऑफ एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 हेल्ड इन चांगवांग साउथ कोरिया तो आंसर यहां पे आपका क्या हो जाएगा एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जो है इस पे सबसे ज्यादा जो आपकी गोल्ड मेडल है ये किसने जीते हैं ये चाइना ने जीते हैं ठीक है इसी वजह से ये मेडल टैली पे फर्स्ट रही थी सेकेंड नंबर पे था आपका इंडिया एंड थर्ड नंबर पे था साउथ कोरिया आप इंडिया ने कितने मेडल यहाँ पे जीते हैं तो फिफ्टी फाइव मेडल्स जीते हैं जिसमें से आपके इक्कीस गोल्ड है इक्कीस सिल्वर है और तेरह ब्रॉन्ज मेडल है ठीक है अब यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि इनमें से कितने लोगों को जो है पेरिस ओलंपिक कोटा यहाँ पे दिया गया था तो छह लोग थे कौन कौन है इनका नाम है श्रियां सदांगी साद, साद, ठीक है अनिश भानवाला नेक्स्ट आ जाते हैं मनु भारकर अर्जुन बतुआ ठीक है तितोत्तम सेन एंड इज सरबजोत सिंह तो इन छह लोगों को यहाँ पे जो है आपका जो है ये जो पेरिस ओलंपिक कोटा है ये यहाँ पे प्रोवाइड किया था और इनकी अब यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री आपको जो है 2024 का जो ओलंपिक होगा वहां पे मिल गई है ठीक है ना यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख सकते हो जो सीनियर और जूनियर बेसिकली आपके जो प्लेयर थे एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के जिन्होंने मेडल जीता है उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पे ऐड कर दी गई है आप इस वीडियो पॉज करके देख सकते हैं ठीक है ठी नेक्स्ट आपका ऑफ द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ये दिया गया है आरबीआई को ठीक है और आरबीआई के जो आपके गवर्नर है शक्तिकांता दास जी उन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया था यह ध्यान में रखना है अब जो बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड है ठीक है ये अवार्ड क्यों दिया जाता है ये ऐसे लोगों को दिया जाता है बेसिकली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है जो अपना जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव चेंज जो है वो सोसाइटी में लाते हैं ठीक है थीके? इस वजह से ये अवार्ड दिया जाता है और 2018 से ये अवार्ड यहाँ पे दिया जा रहा है ठीक है अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है इसके जूरी के जो हेड थे ठीक है इनका नाम था एम दामोदरन अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि ये फॉर्मर चेयरमैन है सेबी के ठीक है इस वजह से यहाँ पे इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है अब यहाँ पे बाकी अदर कैटेगरी जो हैं वो देख लेते हैं जैसे आइकॉनिक चेंज मेकर ये आपको अमूल को दिया गया था ठीक है यंग चेंज मेकर श्रीनिधि आर एस को चेंज मेकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ये आपका स्टेल एप्स टेक्नोलॉजी को दिया गया था फिर चेंज मेकर फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन प्रधानमंत्री जनधन योजना तो ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्कीम को ये अवार्ड दिया गया है ठीक है फाइनेंशियल स्कीम जो होती है तो इस पे बेस क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी फाइनेंशियल स्कीम या फाइनेंशियल ट्रांसमिशन कैटेगरी में किस स्कीम को ये अवार्ड दिया गया है इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है ठीक है फिर चेंज बिकॉज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ये दिया गया है हर की एंड एडुकेट गर्ल्स को फाइन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर सर्वानंद सोनोवाल रिसेंटली इन नवेंबर लॉन्च इंडिया इंटरनेशनल क्रूज लाइनर नेम रिटैच फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज कोस्टा से नाम था जिसे यहाँ पे लॉन्च किया गया था मुंबई महाराष्ट्र में और ये इंडिया का इंटरनेशनल क्रूज लाइनर है

इंडिया को जो एनुअल क्रूज पैसेंजर है उसकी जो संख्या है वो आठ अठारह लाख तक करनी है अभी ये करंटली जो है फोर पॉइंट सेवन टू लाख है इसे इंक्रीज करके कितना करना है अठारह लाख करना है एटीन लाख करना है ठीक है बाय ट्वेंटी थर्टी नाउ नेक्स्ट बीएम नरेंद्र मोदी अनाउंस एक्सटेंशन ऑफ अ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना फॉर हाउ मेनी इयर्स तो जो ये आपकी स्कीम है ठीक है इस स्कीम को बेसिकली जो ये स्कीम है इसका एंड आपका होना था दिसंबर 2023 मतलब नेक्स्ट मंथ इसका जो है टेन्योर खत्म होना था ठीक है बट इसे अभी रिसेंटली जो है एक्सटेंड कर दिया गया है पांच सालों के लिए तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज 2028 तक ये आपकी जो स्कीम है ये एक्सटेंड कर दी गई है ठीक है इसके अलावा जो स्कीम है ये कब लॉन्च की गई थी 2020 में से लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग दी कोविडी पेंडेमिक ठीक है और इसे ऑपरेट कौन सी डिपार्टमेंट करती है तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इसे ऑपरेट करती है कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है इसके अलावा ये जो स्कीम है इसका मेन काम क्या है इस स्कीम के तहत फाइव के फूड ग्रेन पर पर्सन पर, पर मंथ जो है दिया जाता है पर्सन को फ्री ऑफ कॉस्ट ताकि उसका गुजारा आसानी से हो सके ठीक है उससे कोई दिक्कत ना है फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन रिसेंटली इन अक्टूबर आउट दैट मींस कि इन्होंने यहाँ पे रिटायर कर दिया है एम 21 फाइटर स्क्वाड्रन को व्हिच इज नंबर फोर स्क्वाड्रन जिसका नाम है ओरियल नाम से भी हम इसे जानते हैं व्हिच इज बेस्ड इन उत्तरा उत्तर राय राजस्थान इंडियन एयरफोर्स सेट देश आउट ऑल द स्क्न ऑफ एम आई जी ट्वेंटी किया है अब इन्होंने हाँ एक अनाउंसमेंट ये भी की थी कि दो हजार पच्चीस तक जितने भी यहाँ पे स्कॉडर्न है ठीक है सारे स्क्वाडर्न को जो है ये रिमूव कर देंगे ठीक है तो टोटल यहाँ पे तीन स्क्वार थे एक एम आई जी ट्वेंटी वन हो गया बाकी जो अदर है इनको दो हजार पच्चीस तक रिप्लेस या आप कह सकते हो इन्हें रिटायर कर दिया जाएगा ठीक है अब बाकी जो आपके जो स्क्वाडन है एम 21 ये कहाँ कहाँ पे बेस्ड है तो एक बीकानेर बेस्ड है और एक जो दूसरा आपका है ये सूरतगढ़ बेस्ड है आपका ठीक है इसके साथ साथ आपको नोट करना है कि यहाँ पे इन्हें रिप्लेस कौन करेगा लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एम के ठीक है तो ये भी पूछा सकता है कि कौन सा यहाँ पे आपका एल है जो इनको रिप्लेस कर रहा है ठीक है नेक्स्ट इज तो कोलाबरेशन किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए ठीक है ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशियेटिव को सपोर्ट किया जा सके इवन इन्होंने यहाँ पे जो है एक सीरियल भी लॉन्च किया है ठीक है तो अब यहाँ पे एक और चीज जो नोट करनी है की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपका इनिशिएटिव है ये कब लॉन्च किया गया था तो 2015 में इसको लॉन्च किया गया था ताकि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको यहाँ पे मतलब जो प्रॉब्लम आती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की और वुमेन एम्पावरमेंट की उसको यहाँ पे जो है एड्रेस uh, किया जा सके इस प्रॉब्लम को ठीक है

किस चीज की फैसिलिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग दी कार्ल गोर रॉकेट लॉन्चर इन इंडिया अब पे आप इमेज में देख सकते हो ये आपका है ठीक है कार्ल रॉकेट लॉन्चर ठीक है इसको इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पे इंडिया में सेटअप की जा सकती है बाई दी ए ये ध्यान में रखना है आप साब ए बी जो है इसके आपके सीईओ कौन है इनका नाम है मिशेल जॉनसन कहाँ पे है इट इज इन दी स्टॉक होम स्वीडन अब यहीं पे अगर हम बात करें एफ की डिफेंस सेक्टर में जो एफ है इसे जो है 2001 में अप्रैल 2001 में इसको जो है अलाउ यहाँ पे किया गया था और इनिशियली 26 परसेंट जो है एफ डी आई फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है अलाउ किया गया था ठीक है फिर 2014 में यहाँ पे चेंज किया गया और इसे बढ़ाकर 49 कर दिया गया था ठीक है फिर 2016 में इन्होंने क्या बोला कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसे 100 परसेंट भी कर सकती है मतलब अगर गवर्नमेंट का अप्रूवल हुआ तो एफडीआई जो है वो हंड्रेड तक भी हो सकता है ठीक है ये चेंज यहाँ पे किया गया था ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पे नोट करना है कि दो में ठीक है 2020 में जो आपका ये एफ है इसे 49 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था इट इज 74 ठीक है कितना कर दिया गया था? इसे कर दिया गया था तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो ऑटोमेटेड था, वो सेवेंटी फोर कर दिया गया था बाकी अगर गवर्नमेंट की अप्रूवल हो तो हंड्रेड परसेंट भी हो सकता है ठीक है? ऐसा वाला था, तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी, आई होप इंडियन नेवी है लॉन्ग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट नेम्ड डैश आफ्टर फोर्टी सिक्स ऑफ सर्विस टू नेशन एट हंसा एट दिव गोवा तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इंडियन नेवी ने भी डी कमीशन किया है अपना लॉन्ग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जिसका नाम है एलियुशन थर्टी एट सी ड्रैगन ठीक है आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आप क्वेश्चन पूछा सकते हैं है इसको कमीशन कब किया गया था 1977 में इसको जो है कमीशन किया गया था इंडियन नेवी ने ने में ठीक है नेक्स्ट इज द एडिशन ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड डैश तो बहुत इजी क्वेश्चन है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में ये आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी मिलिट्री एक्सरसाइज ठीक है कौन सा तो ये आपका उतार कजाकिस्तान में हुआ था ठीक है अब इंडिया की तरफ से यहां पे जो है डोगरा रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था यह भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट यहाँ पे किया था तो डोगरा रेजिमेंट ने किया था इसके साथ साथ यहाँ पे एक जो है चेंज देखा गया है दैट इज की जो ये एक्सरसाइज है इसे अपग्रेड किया गया है एज अ बाई सर्विस एक्सरसाइज विद इंक्लूशन ऑफ अ इंडियन एयरफोर्स पहले ही आपका इंडियन आर्मी की होती थी बस अब यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स को भी इंक्लूड किया गया है तो इस बार दो हजार तेईस का जो एडिशन था यहाँ पे इंडियन फोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था अलॉन्ग विद योर इंडियन आर्मी ठीक है ये याद रखना है आपको ऑनोकेशन ऑफ अ वर्ल्ड सिटीज डे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री दिफ्टी फाइव सिटीजो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क दिस लिस्ट फीचर टू इंडियन सिटीज आई दीज सिटीज तो देखो ये पच्च, जो पचपन सिटीज हैं ठीक है यहाँ पे रिसेंटली इन्होंने ज्वाइन किया है यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क अब इनमें से दो सिटी आपकी इंडिया की है कौन कौन सी सिटी है एक तो आपकी ग्वालियर है ठीक है दूसरी आपकी है कोजी घोड़े तो ये दोनों सिटीज हैं तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ठीक है ये ध्यान में रखना है इसके अलावा इंडिया की कौन कौन सी सिटी इस लिस्ट में शामिल की गई हैं तो 2015 में और 2015 में जयपुर और वाराणसी को यहाँ पे शामिल किया गया था एज अ क्राफ्ट एंड फोक फोक आर्ट्स और अ म्यूजिक ठीक है एंड अ म्यूजिक ठीक है चेन्नई अगेन 2017 में जो है चेन्नई को यहाँ इस लिस्ट में शामिल किया गया था फिर 2019 में मुंबई को 2019 में अगेन हैदराबाद को यहाँ पे अपॉइंट जो है ज्वाइन किया था हैदराबाद ने फिर श्रीनगर ने यहाँ पे 2021 में ज्वाइन किया था और अभी 2023 में ग्वालियर और कोजीगोड़े ने इस लिस्ट में जो है अपना नाम एड किया है ठीक है यहाँ पे आप सारी फिफ्टी सिटीज देख सकते हो अलग अलग देशों की ये सिटीज है जो इस नेटवर्क में जुड़ी है या इसका पार्ट बनी है ठीक है नेक्स्ट है कोलिन डिक्शनरी नेम एज वर्ड ऑफ द इजेंड ट्वेंटी थ्री ये क्वेश्चन आपका पूछा एग्जाम में तो इसे याद रखना कोलियन डिक्शनरी ने रिसेंटली वर्ड ऑफ द इ है तो इसका नाम क्या है इट इज ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है ये ध्यान रखना है अब कोलियन डिक्शनरी कौन पब्लिश करता है Hyper Collins इसे जो है पब्लिश करता है जिसका हेडक्वार्टर आपका ग्लास्टो स्कॉटलैंड में है ठीक है अब यहाँ पे दो हजार बाईस का वर्ड पूछा सकता है परमोक्राइसिस था ठीक है दो हजार इक्कीस में क्या वर्ड था आपका वर्ड ऑफ द ईयर टोकन और दो हजार बीस में लॉकडाउन सेंटर ऑफ कार्बन कैप्चर्ड एंड यूटिलाईज एट डैश अ न्यू एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू अ कार्बन मोनोऑक्साइड ठीक है तो बेसिकली जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सिलस है इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाईजेशन जो आप कहाँ पे है ये है ये आपका लोकेटेड आईआईटी बॉम्बे में इन्होंने पे डेवलप किया है न्यू एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी जो कन्वर्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड को ठीक है सीओ टू को ये किसमें कन्वर्ट करती है कार्बन मोनोऑक्साइड में सीओ में ठीक है ये ध्यान में रखना है अब यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली ये ट्रांसफॉर्म कर रही है सीओ टू को सीओ को दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड को अंडर द इलेक्ट्रोकैटेलिटिक कंडीशन एट अम्बियन टेम्परेचर जो आपका 25 से 40 डिग्री सेल्सियस है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ठीक है नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द स्पियर क्रॉप जो एक एविशन यूनिट है इंडियन आर्मी की इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है न्यू जनरेशन रॉकेट एंड टूर एमिनेशन फ्रॉम डैश तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज रुद्र हेलीकॉप्टर जो है वहां से इसको टेस्ट फायर किया गया था तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अब रुद्र व्हीकल जो है या रुद्र हेलीकॉप्टर जो, जो है ये एक वेपनाइज वर्जन है एडवांस लाइट ध्रोव हेलीकॉप्टर का ठीक है जिसे बनाया किसने है जिसे डिजाइन और डेवलप किया है एच ने हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड ने ठीक है ये ध्यान में रखना है एज अ चेयरमैन डायरेक्टर ऑफ बी एच ई एल ठीक है ये ध्यान में रखना है और इन्होंने किसे जो है रिप्लेस किया है नलिन सिंघल को इन्होंने जो है रिप्लेस किया है ठीक है इसके अलावा जो कोपू सदाशिव मूर्ति जी है ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं आपके कारपोरेटर कारपोरेट ऑर्पोरेशन मैनेजमेंट ग्रुप के जो आपका बी एच ई एल का ग्रुप था ठीक है ये ध्यान में रखना है साथ में ही जो बी एच ई एल है ये एक महारत्ना ठीक है इट इज योर महारत्ना का स्टेटस दिया गया था 2013 में ये ध्यान में रखना है अब बी एच ई एल जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है ये लोकेटेड आपका न्यू डेली में और इसे कब स्टैब्लिश किया गया था तो नाइनटीन सिक्सटी फोर में इसे जो है स्टैब्लिश किया गया था तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है

Iran tops the medal tally with a 521 medal in the 4th edition of Asian Para Games next is Sumit Antil won gold medal in a javelin throw of uh, javelin throw F64 event with a new record of 73.29 meter next is Aruna Tanwar won India's first ever para taekwondo medal by winning the bronze medal in the women's K44 uh, k 44 47 kg event next is sheetal devi is only the current female international archer to shoot with a shoot with her feet स इंडिविजल कंपाउंड एंड मिक्स टीम कंपाउंड ओपन में जीता था, था इस कैटेगरी में जीता था तो यहाँ पे क्या बोला है कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दट इज इस मेडल टैली में टॉप किया था आपका चाइना ने ठीक है सबसे पहले नंबर पर आपका चाइना था चाइना देन ईरान आपका जापान ठीक है तो ये आपको टैली याद रखनी है इसके अलावा यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो सुमित अंतिल हैं इन्होंने यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया था 73.29 मीटर का इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड यहाँ पे ब्रेक किया था जो था 70.83 मीटर का रिकॉर्ड ठीक है इसके अलावा लास्ट एडिशन के बारे में पूछा सकता है जो 2018 में आपका हुआ था कहाँ पे हुआ था ये आपका हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया में ठीक है अब यहाँ पे इस एडिशन में 2018 के जो एडिशन था इसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते थे तो 72 मेडल जीते थे ठीक है नाउ यहाँ पे आप पूरी इसकी जो है टॉप टेन देश देख सकते हो जैसे पहले नंबर पे चाइना फिर दूसरा ईरान तीसरा जापान साउथ कोरिया फोर्थ नंबर पे था फिफ्थ पे इंडिया था फिर सिक्स पे इंडोनेशिया सेवेंथ पे थाईलैंड उजबेकिस्तान फिलिपींस एंड हांगकॉन्ग ठीक है

249.6 पॉइंट अगेन इनका भी एक रिकॉर्ड बना था ठीक है 249.6 पॉइंट का इन अ विमेंस 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग ठीक है शूटिंग में नेक्स्ट इज प्राची यादव वॉन टू मेडल्स गोल्ड इन टू मेडल्स गोल्ड इन अ विमेन के एल टू इवेंट कैनोए में एंड सिल्वर इन अ विमेन्स वी एल टू इवेंट विच वॉज ऑल्सो इंडियाज फर्स्ट मेडल इन टू थाउजेंड ट्वेंटी एशियन पैरा गेम्स next is ankur thama set a new record by becoming the first indian to win a two gold medals in men's 500 meter t11 and men's 1500 meter t11 in a single edition of a asian para games next is Dharamraj Raj. Uh, Dharam Raj ज वॉन दोल्ड मेडल इन लॉन्ग जम्प टी सिक्स विद्यू एशियन एंड पैरा गेम्स रिकॉर्ड ऑफ अट जीरो इंडियन प्लेयर्स पार्टिसिपेटेड इन दॉलोइंग स्पोर्ट ठीक है, next question, next आपका है uh, time, sport, जैसे आपका मोकिया हो गया आपका ब्लाइंड फुटबॉल हो गया लॉन बॉल्स हो गया देन टाइकोंडो रोइंग एंड कैनो इनमें इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था एंड केनॉय और टाइकॉन्डे तो आपका ऐसे ये आपके इवेंट थे या आपके जो स्पोर्ट्स थे जो पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए थे ठीक है 2022 वाले एडिशन में से इंट्रोड्यूस किया गया था नाउ इसके अलावा नोट करना है यंगेस्ट इंडियन प्लेयर जिन जो इस गेम का पार्ट बने थे 14 ईयर ओल्ड शेरॉन रेशल एबे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था चेस में एंड ओल्डेस्ट प्लेयर वॉज फिफ्टी ईयर्स ओल्ड सुरजीत सिंह हु पार्टिसिपेटेड इन दी पैरालॉन बॉल्स ठीक है

हॉगजू एशियन गेम्स की बात की जाए अभी हम हम बात करते थे पैरा पैरा गेम्स की ठीक है अगर एशियन गेम्स यहाँ पे जो नॉर्मल होते हैं उनकी बात की जाए तो उसमें इंडिया की जो रैंक थी वो थी आपकी फोर्थ पोजीशन और इंडिया ने 107 मेडल यहाँ पे जीते थे ठीक है और कौन सा एडिशन था ये आपका नाइनटींथ एडिशन था ठीक है वहीं पे पैरा ओलंपिक का ये फोर्थ एडिशन था नेक्स्ट यहाँ पे आप जो है गोल्ड मेडल विनर्स देख सकते हो पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको इसकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी ठीक है तो आप इसे वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हो नक्स्ट आपका गेल इंडिया लिमिटेड टू सप्लाई प्रोपेन टू इंडिया फर्स्ट प्रोपेन डिहाइड्रोजिनेशन एंड पॉली प्लांट प्रोजेक्ट इन इन असर महाराष्ट्र तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिन्होंने गेल इंडिया के साथ एमओ एमओयू साइन किया है 15 ईयर अग्रीमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ अ प्रोपेन ठीक है नाउ जो गेल इंडिया प्रोपेन ये जो बेसिकली प्लांट है ये प्लांट जो है ये आपका लॉन्च किया जाएगा 2025 में तो ये भी ध्यान में रखना है अब यहाँ पे स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं बीपीसीएल के आपके जो करंट आपके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इनका नाम क्या है जी कृष्ण कुमार और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है वहीं पे गेल इंडिया की बात करें तो इसके आपके चेयरपर्सन हैं संदीप कुमार गुप्ता और इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली दिल्ली में स्थित है ठीक है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली नवंबर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड दी 250 मीटर नवदुर्गा पाथ स्काई वॉक इन डैश तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज जम्मू एंड कश्मीर में जो है ये आपका स्काई वॉक जो है वो लॉन्च किया गया है ठीक है ये ध्यान में रखना है और यहाँ पे जो यह आपका फ्लाईओवर है ये बनाया गया है एट द एलिवेशन ऑफ अ ट्वेंटी फीट अब एग्जिस्टिंग ट्रैक एंड इट कॉस्ट इट्स रुपीज फिफ्टीन पॉइंट सिक्स नाइन कर ठीक है इसी के साथ साथ यहाँ पे पार्वती भवन को भी जो है इनोग्रेट किया गया था जो बेसिकली आपका फिफ्टीन हंड्रेड लॉकर्स यहाँ पे जो है बनाए गए हैं और ये दिन के ठीक है दिन के दस हजार से पंद्रह हजार पिलग्राम जो हैं उनको यहाँ पे कैटर कर सकता है ठीक है इसके साथ साथ इसका अगर कॉस्ट की बात करें तो इसमें लगभग आपका फिफ्टीन करोड़ का जो है कॉस्ट आया था यहाँ पे आप इसकी इमेज भी देख सकते हो ये स्काई वॉक लॉन्च किया गया था बाय द्रौपदी मुर्मू जी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंगलिटी हिज ऑटोबायोग्राफी इन अ मलयालम टाइटल्ड सिमहंगल सिमहंगल द बुक इज पब्लिश बाय केरला से कौन सी पर्सनैलिटी है जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है अपनी ठीक है मलयालम में ये बेसिकली इनकी जो मदर टंग है उसमें ये ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखी है इनका नाम है आपका एस सोमनाथ जो करंट चेयरमैन है इसरो के इन्होंने इस बुक में चंद्रयान से रिलेटेड काफी चीजें मेंशन की हैं ठीक है ठीके? ये आपको याद रखना है इन्होंने ये अपनी ऑटोबायोग्राफी यहाँ पे लिखी है इन मलयालम ठीक है नाउ नेक्स्ट इज रिसेंटली नवंबर द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला हैज अ अ फोर्थ ऑफ डैश ऑपरेशन बाय इंडियन कस्टम इन कोलाबोरे आर आई एल ओ एशिया पैसिफिक एंड आर आई एल ओ मिडिलू क्रब दी इलीगल ट्रेड ऑफ अ टेम्बर इंक्लूडिंग रेड सैंडर्स जिसे हम लाल चंदन भी बोलते हैं ठीक है तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्च किया है ऑपरेशन ऑपरेशन शीशा इसका बेसिकली फोर्थ फेज जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया था ठीक है इसे सबसे पहले 2015 में जो है लॉन्च किया गया था किस चीज के लिए से लॉन्च किया गया था इसे बेसिकली लॉन्च किया गया था टू कॉम्बैक दी प्रीशियस वुड स्मगलिंग बेसिकली यहाँ पे जो हमारी जो प्रीशियस वुड्स हैं उनका स्मगल किया जाता है इलीगल तरीके से से जो है बाहर जो कंट्रीज हैं यहाँ पे 17 कंट्रीज हैं जहाँ पे इन्हें भेजा जाता है इलीगल तरीके से जैसे मलेशिया हांगकॉन्ग कोरिया जापान चाइना नेपाल म्यांमार वियतनाम मालदीव्स पाकिस्तान एंड फिलिपींस इन कंट्रीज में से जो है इल्लीगली स्मगल किया जा रहा है तो इस चीज को कम करने के लिए इस चीज पे रोक लगाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है ऑपरेशन शीशा का फोर्थ फेज ठीक है Next is, which of the following option is correct with ऑफ to टू fifth एडिशन ऑफ our स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड Authority ऑफ इंडिया ठीक है अब यहाँ पे जो इंडेक्स रिलीज किया गया है बेसिकली ये इंडेक्स क्या दर्शाता है ये बताता है जो इंडियन स्टेट्स हैं इनकी परफॉर्मेंस इन इंश्योरिंग फूड सेफ्टी ठीक है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है एज पर द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022 थाउजेंड टू टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बिन रिकॉर्डेड ठीक है यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है इन द फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पैरामीटर जो यहाँ इनका पैरामीटर है जिसका नाम है फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पैरामीटर इसमें सबसे ज्यादा जो है वर्स्ट ड्रॉप रिकॉर्ड किया गया है इज जिसमें एवरेज स्कोर जो है लार्ज स्टेट्स का वो आपका सेवन पॉइंट है आउट ऑफ सेवनटीन एंड यहीं पे अगर इसे 2019 से कंपेयर किया जाए तो 13 पॉइंट्स ये हुआ करता था एवरेज आउट ऑफ 20 अब ये कितना हो गया है 7 पॉइंट्स आउट ऑफ 17 हो गया है ठीक है नेक्स्ट स्टेटमेंट है महाराष्ट्र हैज रिकॉर्डेड स्टीपेस्ट फॉल इन इन योर स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स स्कोर फ्रॉम 74 आउट ऑफ 100 पहले ये 2019 में 74 था जो आपका स्कोर था अब ये कितना हो गया है इट इज 45 इन 2023 इन इज़ फॉलोड ट्वेंटी बिहार बिहार में भी आपका जो है काफी ज्यादा यहाँ पे फॉल जो है रिकॉर्ड किया गया है जैसे 2019 में 2019 में ये आपका 46 था अब ये 20.5 परसेंट हो गया है 2023 में वहीं गुजरात की अगर बात की जाए तो ये 73 73 आपका था

ठीक है तो अब जो ये पैरामीटर यहाँ पे ऐड किया गया है इसकी वजह से यहाँ पे इनके जो स्कोर थे वो काफी कम हो गए हैं अगर हम इसे 2019 से कंपेयर करें ठीक है इसके अलावा नेक्स्ट स्टेटमेंट है बोथ ए एंड बी एंड ऑल ए बी एंड सी तो बताना है करेक्ट स्टेटमेंट तो सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है तो आंसर क्या हो जाएगा इट इज ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट ठीक है

ये आपका इसका वेटेज है टेन परसेंट का ठीक है ये ध्यान में रखना है अब यहाँ पे एक और चीज जो तो इंपॉर्टेंट है जो ये इंडेक्स है ये रिलीज किया जाता है एनुअली ठीक है ऑन दी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो आपका सेवंथ ऑफ जून को हम ऑब्जर्व करते हैं ठीक है थीके? इसके अलावा जो एफ एस एस ए आई है इसके आपका हेडक्वार्टर पूछा सकता है तो ये लोकेटेड आपका न्यू डेली में ठीक है एंड इसके चेयरमैन कौन है इनका नाम है राजेश भूषण क्या नाम है इनका राजेश भूषण ठीक है इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है टॉप थ्री लार्ज स्टेट्स की अगर हम स्कोर की बात करें ठीक है तो पहला रैंक आपका था यहाँ पे केरला का फॉलोड बाय पंजाब एंड तमिलनाडु स्कोर 2022-23 के थे 63 जो पहला 66 हुआ करता था देन 57.5 पॉइंट अर्लियर इट वाज 47 एंड 56.5 इन विच वाज अर्लियर सेवेंटी ठीक है स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो सबसे पहला नंबर गोवा फिर मणिपुर सिक्किम

आपका है ड्यूरिंग द डेलीगेट फ्रोम ट्वेंटी इंक्लूडिंग इंडिया है वर्ल्ड फर्स्ट अग्रीमेंट नोन एज बेचले डिक्लेन एंड प्लेच टू कॉर्पोरेट टू प्रमोट द सेफ यूज ऑफ ए आई टूल्स

AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे आपका जो है लॉन्च किया गया है ठीक है तो ये ध्यान में रखना है आपको नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द डैश बिकेम द फर्स्ट एथलीट टू रिसीव द काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर्स ऑफ अमेरिकास फैशन आइकन अवार्ड इन 2023 तो इनमें से कौन से आपके प्लेयर हैं ठीक है थीके? कौन से आपके एथलीट हैं जिन्हें है, जो है 2023 का फैशन आइकन अवार्ड दिया गया है तो ये दिया गया है सेरिना विलियम्स को ठीक है जो फॉरमर

जो है टीबी डायग्नोस हुआ था 2022 में आज पर दस रिपोर्ट पॉइंट अब यहाँ पे आपको नोट करना है ये अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है ठीक है 1995 से अभी तक जो रिकॉर्ड किया गया है पे पे उसका ये हाईएस्ट देखा गया है परसेंटेज फाइन इसके अलावा इस रिपोर्ट में और क्या चीज हाईलाइट हुई थी जैसे इंडिया इंडोनेशिया एंड फिलिपींस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर सिक्सटी ऑफ अ ग्लोबल डिक्लाइन इन न्यू टीबी केसेस इन 2020-2021 ट्वेंटी और 2020 में सबसे कम यहाँ पे जो है नए टीबी केसेस जो है देखने को मिले हैं इंडिया इंडोनेशिया एंड फिलिपींस में लगभग 60 परसेंट की यहाँ पे बात हो रही है ठीक है वहीं पे मोस्ट पीपल हु टीबी फॉर दब्ल्यू एच रीजन ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया जहाँ पे 46 परसेंट जो है आपका यहाँ पे टीबी केसेस आए हैं वहीं पे अफ्रीका की बात करें तो 23 परसेंट एंड वेस्टर्न पैसिफिक में 18 ठीक है इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज मेंशन की गई थी दैट दैट इज टीबी रिलेटेड डेथ्स जो है वो भी डिक्रीज हुई है 19 से 2015 से 2022 के बीच में विच इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ दी डब्ल्यू एच परसेंट रिडक्शन गोल बाय दी 2025 इसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा गया था कि जो uh,

द पैसेफिक विच हाईलाइटेड दैट इंडिया इज अमंग टॉप कंट्रीज विद इनकम एंड हाईएस्ट वेल्थ इन इक्वालिटी डिस्पाइट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ तो आंसर यहाँ पे आप आपका क्या हो जाएगा इस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है इस रिपोर्ट को रिलीज किया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ठीक है आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए अब इसके आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है यू एन डी पी का इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में ठीक है एंड इसके आपके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है इनका नाम है एच एम एच एम स्टैंडर्ड ठीक है नाउ इसके अलावा आपको यहाँ पे नोट करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस रिपोर्ट से रिलेटेड है इस रिपोर्ट में मेंशन किए गए थे जैसे पहला आपका पॉइंट है पहला पॉइंट में क्या बोला गया है अबाउट द इनकम ग्रोथ ठीक है तो इंडिया की जो इनकम ग्रोथ थी ये आपकी 2000 2000 से 2022 के बीच में कंपेयर की जाए तो ये आपकी बढ़ी है पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज हुई है 442 यूएस डॉलर से ये हो गई है 2389 डॉलर ठीक है पॉवर्टी रिडक्शन की बात करें तो ये भी आपका 2004 से 2019 के बीच में कम हुआ है पहले ये फोर्टी परसेंट था अब ये टेन परसेंट के पास आ गया है 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 ठीक पे ड्रॉप देखा गया देन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पे जो है इसमें इसमें भी थोड़ा गिरावट देखी गई है यहाँ पे डिक्रीज देखा गया है ट्वेंटी से ये फिफ्टी फिफ्टीन जो है देखा गया है बिटवीन लेके दो हजार उन्नीस इक्कीस का ठीक है देन परसिस्टेंट पॉवर्टी की यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे प्रोग्रेस तो हुई है बट यहाँ पे जो पॉवर्टी है इट रिमेन्स कॉन्सेंट्रेटेड इन द द स्टेट्स हाउसिंग ऑफ ऑफ पॉपुलेशन बट पुअर ठीक है देन नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आ जाती है इट इज वर्नरेबल ग्रुप्स जिसमें विमेन इनफॉर्मर वर्कर्स एंड इंटर स्टेट माइग्रेंट जो है दे आर एट द रिस्क ऑफ फॉलिंग बैक इन टू दी पोवर्टी ठीक है और यहाँ पे क्या किया गया था अबाउट द जेंडर डिस्पैरिटी यहाँ पे जो लेबर फोर्स है ये आपको जो है मेन ज्यादा मिलेंगे और यहाँ पे वुमेन्स जो है ये सिर्फ आपको 23 परसेंट ही मिलेंगी ठीक है ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में मेंशन की गई थी हाईलाइट की गई थी फाइन नाउ नेक्स्ट जस्ट नेम द हु इज नॉमिनेटेड एज अ रीजनल डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजन तो साउथ ईस्ट एरिया एशिया रीजन के लिए यहाँ पे रीजनल डायरेक्टर कौन नॉमिनेट किया गया है ये इनका नाम है सीमा वजीद क्या नाम है इनका इनका नाम है सीमा वजीद जो बांग्लादेश की रहने वाली हैं एंड शी इज अ डॉटर ऑफ अ बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है शेख हसीना जी ठीक है और ये रिप्लेस किसे करेंगे ये रिप्लेस करेंगे पूना खेतरपाल सिंह को ठीक है जो इंडिया के रहने वाले हैं एंड इनका जो टेन्योर है बेसिकली जो साइमा वजीद है इनका जो टेन्योर है ये फर्स्ट फेब्रवरी टू से स्टार्ट होगा ठीक है Now next is which state or a unit territory police become the इन तो जम्मू एंड कश्मीर का पुलिस डिपार्टमेंट है ये पहला आपका इंडिया का पुलिस डिपार्टमेंट बना है, जिन्होंने इस का जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया है बेसिकली यहाँ पे जो कैदी होंगे ठीक है जो एक्यूज होंगे उनके पाओ पे एक जीपीएस ट्रैकर जो है ठीक है जीपीएस ट्रैकर एंकल जिसे हम बोल रहे हैं वो यहाँ पे लगा दिया जाएगा ताकि उनके मूवमेंट जो है वो कैप्चर की जा सके उसका ट्रैक रखा जा सके ठीक है ये ध्यान में रखना है अब यहाँ पे जो स्टेट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ठीक है एस जो है आपका स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया है ठीक है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ट्रैकर एंग्लेट यहाँ पे आप जो है इमेज देख पाओगे इसकी इस टाइप का ये डिवाइस है जो बेसिकली पाउ में डाल दिया जाता है ताकि सारी मूवमेंट जो है अक्यूज की ट्रैक होती रहे फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है सबस्टांशियल इक्विटी असेट ऑफ रुपीज से इंडस्ट्रीज टोटल इक्विटी असेट जो आपका था ट्वेंटी का तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा इट इज इट इज योर ऑप्शन नंबर ए दैट इज महाराष्ट्र यहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है या जो असर्ट है वो किसका है महाराष्ट्र का है ठीक है विच इज फॉलोड बाई गुजरात कर्नाटका डेली एंड उत्तर प्रदेश ठीक है सो हम पहला वाला डिस्कस कर चुके हैं महाराष्ट्र की कितना है इक्विटी सेवन पॉइंट फोर सेवन लाख करोड़ की सेकेंड नंबर पे आता है गुजरात टू पॉइंट टू वन लाख करोड़ थर्ड इज योर कर्नाटका वन पॉइंट नाइन नाइन लाख करोड़ एंड फोर्थ इज योर डेली 9.1.94 लाख करोड़ ठीक है और फिफ्थ पे आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश विच इज 1.66 लाख करोड़ फाइन आई होप ये क्लियर होगा नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है हु हैज इनॉग्रेटेड गुजरात फर्स्ट टीम हेरिटेज स्पेशल ट्रेन एट एकता नगर केवड़िया रेलवे स्टेशन इन गुजरात ऑन ओकेजन ऑफ अ नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड ऑन थर्टी अक्टूबर टू तो देखो जो नेशनल यूनिटी डे है जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत एनिवर्सरी होता है उस दिन यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो है इनोग्रेट किया है फर्स्ट टीम हेरिटेज स्पेशल ट्रेन कहाँ पे एकता नगर केवड़िया रेलवे स्टेशन पे ठीक है अब ये थ्री कोच ट्रेन है जो एकता नगर से अहमदाबाद के बीच में जो है रेल कनेक्टिविटी यहाँ पे प्रोवाइड करी है ताकि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वहां पे ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो है वो आ सके और उन्हें कोई ट्रैवल करने में दिक्कत ना हो ठीक है अब स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये वर्ल्ड का टॉलेट स्टैचू है तो इसकी हाइट इंपॉर्टेंट है ये पूछी जा सकती है इसकी हाइट कितनी है वन एटी टू मीटर की इसकी हाइट है ठीक है साथ में ही स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो है स्टैचू है ठीक है ये ध्यान में रखना है अब यहां पे एक और चीज की नेशनल यूनिटी डे की बात हुई थी जैसे कि मैंने बोला ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे होता है बर्थ एनिवर्सरी हम ऑब्जर्व करते हैं तो क्वेश्चन बन सकता है कि 2023 में हमने कौन सी बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की है तो वन फोर्टी बर्थ एनिवर्सरी इनकी ऑब्जर्व की है 2023 में ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन अक्टूबर ऑक्टूबर हैज अनाउंस टू डेवलप इजरे आयरन डोम सिस्टम लाइक लॉन्ग रेंज लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम अंडर प्रोजेक्ट्स तो यहाँ पे डीआरडीओ ने रिसेंटली अनाउंस किया था इन मंथ ऑफ अक्टूबर कि ये डी के जैसा सिमिलर जो है आयरन डोम सिस्टम जो है ऑल वेदर कंडीशन सिस्टम इसको बनाएंगे ठीक है कौन से प्रोजेक्ट के अंदर इसे बनाया जाएगा तो इसे बनाया जाएगा प्रोजेक्ट कुशा के अंदर ठीक है तो ये ध्यान में रखना है आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी और इसे जो है इंडियन एयरफोर्स में डिप्लॉय किया जाएगा बाय 2028 और 29 ठीक है अब यहाँ पे इस सिस्टम के बारे में बात करें तो जो, जो सिस्टम है ये लॉन्ग रेंज सर्विलेंस एंड फायर कंट्रोल इसमें होंगे ठीक है ये इसको फीचर करेगा साथ में ही यहाँ पे इंटरसेप्टर मिसाइल जो है जो बेसिकली टारगेट बेसिकली न्यूट्रलाइज करेंगे टारगेट को या जो आप ऐसे कह सकते हो अगर दुश्मन का एयरक्राफ्ट ड्रोन या क्रूज मिसाइल कुछ भी आता है तो ये इसको जितनी इनकी रेंज यहाँ पे है ठीक है 15 किलोमीटर्स 250 फिफ्टी किलोमीटर्स और 350 फिफ्टी किलोमीटर्स तक इतनी रेंज में जो भी टारगेट आएगा उसको ये डिस्ट्रॉय करने में केपेबल होगा ठीक है ये ध्यान में रखना है साथ में ही अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इज़राइल के आयरन डोम सिस्टम की जो ये सिस्टम है इट इज अ स्टेट ऑफ आर्ट रॉकेट डिफेंस सिस्टम डिजाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इनकमिंग शॉर्ट रेंज वेपन इट ऑपरेट्स इन अ ऑल वेदर कंडीशन ये ध्यान में रखना है साथ में ही यहाँ पे इससे कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्रिएट किया है डेवलप किया है तो इसराइली फॉर्म्स रफेल

ये ध्यान रखना है आपको और ये अनवील किसने किया था जो महाराष्ट्र के सीएम है एक नाथ शिंदे जी ठीक है अब ये स्टैचू को डिजाइन किसने किया था इनका नाम है प्रमोद कामले तो इनका नाम भी पूछा सकता है साथ में ही यहाँ पे भारत रत्न की बात हुई है तो भारत रत्न कब दिया गया था सचिन तेंदुलकर जी को तो टू में दिया गया था ठीक है

168491 lives and cause injuries to 443366 percent which shows increase of 11.9% in accidents and 9.4% in fatalities and 15.3% in injuries

5% यूपी में ये 9.1% है एंड देन कर्नाटका में ये 8.6% है ठीक है नेक्स्ट स्टेटमेंट है द मध्य प्रदेश द मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड द हाईएस्ट रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट रोड एक्सीडेंट्स ऑन आवर नेशनल हाईवेस इन 2022 फॉलोड बाय केरला ठीक है नेक्स्ट इज यूपी तमिलनाडु एंड कर्नाटका ठीक है लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है उत्तर प्रदेश रिकॉर्डेड द Highest number of road accidents fatalities on the national level in 2022 with a 13.9% of fatalities followed by the Tamil Nadu which is 9.8%, Maharashtra 8.1%, Karnataka 6.82% and Rajasthan is your 6.81%. तो आंसर यहां पे आपका क्या है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज कि सबसे ज्यादा यहाँ पे जो रोड एक्सीडेंट्स देखे गए हैं और नेशनल हाईवे 2022 की यहाँ पे बात की जा रही है तो ये देखे गए हैं आपके इन दी तमिलनाडु ठीक है कहा देखे गए हैं तमिलनाडु में तो ये आपको करेक्ट करना है ठीक है इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है कि जो आपके मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के नितिन गडकरी जी इनकी एक बायोपेट भी जो है रिलीज की गई थी आपके इन मंथ ऑफ अक्टूबर

ये ध्यान में रखना है आपको अब ये जो अवार्ड है ये चार कैटेगरी जा, थी पॉलिसी साइंस एंड इनोवेशन कैटेगरी ये चार कैटेगरीज हो गई है नाउ आप स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है इनका नाम है एंगर एंडरसन ठीक है एंडरसन एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका नेरोबी

इंडियाज मोस्ट जनरस टाइटल यहाँ पे दिया गया है तीन लगातार तीन सालों से इनके पास ये टाइटल है क्योंकि ये यहाँ पे कंजिक्यूटिव थ्री से डोनेशन सबसे ज्यादा इन देते आ रहे हैं ठीक है ये ध्यान में रखना है अब टॉप फाइव फिलंथ्रॉपिस्ट की बात करें ठीक है तो पहला नंबर शिव नारायण जी का होता है दूसरा अजीम प्रेम जी ठीक है जो विप्रो के मालिक हैं देन मुकेश अंबानी जी रिलायंस इंडस्ट्री कुमार मंगलम बिरला आदित्य बिरला ठीक है

लिस्ट को एडलगिव होरन इंडिया फिलंथ्रॉपी लिस्ट 2023 की जिसमें 119 सौ जो हैं शामिल किए गए हैं जिन्होंने लगभग 8,445 करोड़ का डोनेशन दिया है ठीक है नेक्स्ट स्टेटमेंट है टोटल डोनेशन बाय दी फिलंथ्रॉपिस्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है आपका अगर प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया जाए विट इज विच इज फिफ्टी ठीक है और ये टू बढ़ा है लास्ट थ्री ईयर्स में नेक्स्ट इज निखिल कमाल जो आपके जीरोधा के को फाउंडर है ये यंगेस्ट फिलमथ्रॉपिस्ट बने हैं जो इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं जिन्होंने करोड़ का जो है डोनेशन दिया है ठीक है नेक्स्ट रोहिणी नीलकानी जो फाउंडर है आपके रोहिणी नीलकानी फिलमथ्रॉपिस्ट के ये मोस्ट जेनरस वुमेन फिलोपिस्ट बनी है जो इस लिस्ट में शामिल की गई हैं जिन्होंने 170 करोड़ का अमाउंट इस ईयर में डोनेट किया था ठीक है नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फिलमथ्रोपिस्ट

को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस बी होस्टिंग दी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली इन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर द प्रीवियस एडिशन वॉज हेल्ड इन डैशन आपका जो प्रीवियस एडिशन था डब्ल्यू डी एस ए 20 ये आपका इंडिया होस्ट करने वाला था पहले बट ड्यू टू कोविड-19 इसे होस्ट किया था जिनेवा स्विट्जरलैंड में ठीक है तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और इसे मार्च 2022 में जो है होस्ट किया गया था फाइन ये ध्यान में रखना आपको नाउ इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख लेते हैं जैसे वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली जो है ठीक है ये बेसिकली ये आपका गवन कौन करता है ठीक है

वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असम्बली जो है ये बेसिकली जो तीन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती हैं आपकी जो आई डी ऑर्गेनाइज करते हैं उसका एक पार्ट है ठीक है बाकी दो पार्ट्स आपके कौन कौन से हैं इट इज वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस जो आपकी हेल्ड uh, होती है वंस इन एवरी थ्री और फोर ईयर देन नेक्स्ट आती है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस जो आपकी चार साल में एक बार होती है

एक करोड़ कर दिया गया है ठीक है आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेसिकली जो कस्टमर्स अब वो प्री मेच्योरली विड्रॉ कर सकते हैं अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट से अप टू वन करोड़ ठीक है

एंड अखूरा जो बांग्लादेश में आपका ठीक है ये अगरतला से अखूरा को कनेक्ट करेगा अब इस जो ये रेल लाइन है इससे क्या मदद मिलेगी जो थर्टी वन आवर्स का होता था था बेसिकली जो ट्रैवल टाइम लगता आवर्स का अब वो कम होकर टेन आवर्स तक हो जाएगा ठीक है तो ये सहूलियत यहाँ पे मिलने वाली है नेक्स्ट स्टेटमेंट है खुलाना मोंगला पोर्ट रेल लाइन विच एनकम्पर्स इज दिक्सटी फाइव किलोमीटर ब्रॉड गॉज ब्रॉडेज रेल रूट दैट विल कनेक्ट मोंगला पोर्ट टू दी एग्जिस्टिंग रेल नेटवर्क इन अ खुलना ठीक है नेक्स्ट स्टेटमेंट है यूनिट सेकेंड ऑफ अ मैथ्री सपोर्ट थर्मल पावर प्लांट फॉर जॉइंटली इनोग्रेटेड अंडर द इंडियन कंसेंशनल फाइनेंसिंग स्कीम लोन ऑफ रूपीज 1.6 बिलियन यूएस डॉलर इन अ 1320 मेगावाट सुपर थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड इन द रामपाल इन खुलना डिवीजन ऑफ बांग्लादेश ठीक है अब यहाँ पे क्या बोला गया है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके करेक्ट है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज ऑल वन टू एंड थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इसके अलावा हमें यहाँ पे नोट करना है ठीक है जैसे आकुरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक की हमने बात की जिसमें हमारा जो ट्रैवल टाइम है वो कम हो जाएगा कितना कम होएगा वो आपका टेन आवर्स का हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे लेंथ की बात करें तो इसकी रेल लाइन रेल लिंक की लेंथ कितनी है इट इज ट्वेल्व पॉइंट टू फोर किलोमीटर जिसमें से सिक्स पॉइंट सेवन एट किलोमीटर आपका बांग्लादेश में है ठीक है वहीं पे 5.46 किलोमीटर आपका त्रिपुरा में रहेगा अगरतला में ठीक है नेक्स्ट इज जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है यूनिट सेकंड ऑफ मैथ्रीज सुपर थर्मल पावर प्लांट ठीक है अब ये जो प्रोजेक्ट है इसको इंप्लीमेंट किसने किया था इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया था बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी लिमिटेड ठीक है जिसमें 50 50 परसेंट का जो शेयर है या जॉइंट वेंचर है वो कौन कौन सी कंपनी का है एन लिमिटेड का और दूसरी है बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड का ठीक है एंड जो यूनिट वन आपका मैथ्री सुपर थर्मल पावर प्लांट है ये आपका इनोग्रेट किया गया था दो में ठीक है आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपके कुछ सजेशन है सो यू कैन मेल अस एट बेंच मार्क जीरो जीरो सेवन एट रेट जी मेल डॉट कॉम और आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं सो so मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ टिल टेक केयर अ नाइस डे एंड बेस्ट फॉर योर प्रिपेशन